चाहिए। ऐसी किसी की जोरदार तालियों के साथ मार्च साहब का जो है इस्तेमाल किया, स्वागत कीजिएगा। जितने भी बच्चे बाहर खड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप लोग अंदर आकर बैठे। फिर ऐसा मौका आपको नहीं मिलने जा रहा है दावे के साथ कहता। ठीक है, जरूर जरूर। अभी भी कम से कम सर ने कहा कि आप बार बार बुलाइएगा, मैं बार बार आऊंगा। खैर, कुमार विश्वास के साथ सर का उठना बैठना है, और आप जानते हैं कि डॉक्टर कुमार विश्वास जो है ऑलरेडी वो कवि सम्मेलन में जाते आते नेता हो चुके हैं और सर भी शायद जाने की तैयारी में लग चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज दूसरी बार इस इलाके में आने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा कम लोगों को देखकर, इसलिए कि दुनिया में जो चीज़ कम होती है उसकी कदर ज़्यादा होती है, ये सब लोग जानते हैं। हमारे बीच कम लोग हैं, जाहिर सी बात है, अपनी अपनी जगह पर सभी एक अजीम हस्ती हैं और आप काफ़ी हैं मुशायरे को कामयाब बनाने के लिए। और हम लोग हैं, पहले तो थोड़ी घबराहट हुई थी कि तीन लोग कैसे हम लोग मुशायरे को कवर करेंगे, लेकिन अच्छा लगा और एक पर एक तो यहाँ नज़र आए। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कुछ बातें, कुछ अपने जज्बात। हमीदी साहब, डॉक्टर सिद्धतुल्ला हमीदी साहब MDDM कॉलेज के प्रोफेसर हैं, मुजफ्फरपुर में रहते हुए एक ज़माने के बाद मुलाकात हो रही है। डॉक्टर पंकज करण साहब, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के प्रोफेसर हैं, अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, एक ज़माने के बाद मुलाकात होती है। इस तरह ज़िंदगी सिमट के रह गई है, क्योंकि एक गांव में मेरा रहना हो रहा है और शहरों से बहुत दूर हूँ। उसी पर एक शेर है, मैं अपने गांव की गलियों में जब भटकता हूँ, हमीदी साहब, मैं अपने गांव की गलियों में जब भटकता हूँ, मैं अपने गांव की गलियों में जब भटकता हूँ, पुकारता है कोई मुझको शाहराहों से। मैं अपने गांव की गलियों में जब भटकता हूँ, पुकारता है कोई मुझको शाहराहों से, ये किसने दे दिया कशकोल मेरे हाथों में, मेरा तो सिलसिला मिलता है बादशाहों से। क्या बात है, ये किसने दे दिया कशकोल मेरे हाथों में, मेरा तो सिलसिला मिलता है बादशाहों से। और चार मिसरे और, हम प्यार में झुक जाना गवारा नहीं करते, अपना अपना मिजाज होता है। हम प्यार में झुक जाना गवारा नहीं करते, जो लौट गया उसको पुकारा नहीं करते। क्या बात, हम प्यार में झुक जाना गवारा नहीं करते, जो लौट गया उसको पुकारा नहीं करते। और एक ऐसे कबीले से ताल्लुक है मेरा, जो लड़ते हुए मर जाते हैं हारा नहीं करते। एक ऐसे कबीले से ताल्लुक है मेरा, जो लड़ते हुए मर जाते हैं हारा नहीं करते। हम प्यार में झुक जाना गवारा नहीं करते। और दो चार अशआर जहाँ जहाँ जैसे जैसे याद आ रहे हैं आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ। फूल मुरझा गए यादों के, महक बाकी है। देखिए, गजल भी एक ऐसी चीज़ है ना, दिल के मजा ने किस हिस्से को जाकर छेड़ जाए। हो सकता है आप अपनी उम्र को भुला कर 20 साल पीछे चले जाएँ, 25 साल पीछे चले जाएँ। फूल मुरझा गए यादों के, महक बाकी है मुझ में चांद अभी तेरी चमक बाकी है। फूल मुरझा गए यादों के, महक बाकी है मुझ में चांद अभी तेरी चमक बाकी है। और आज बच्चों की तरह रोने को जी करता है, दिल में एक और खिलौने की कसक बाकी है। क्या बात है, आज बच्चों की तरह रोने को जी करता है, दिल में एक और खिलौने की कसक बाकी है। और ये शेर देखें, उसने एक बार पलट कर मुझे देखा जिस दम, उसने एक बार पलट कर मुझे देखा जिस दम, यूं लगा शाखे मोहब्बत में लचक बाकी है। यूं लगा शाखे मोहब्बत में लचक बाकी है, फूल मुरझा गए यादों के, महक बाकी है। और हमीदी साहब, आपके नाम कुछ अशआर, उसकी बातों पे भरोसा भी कहाँ होता है, उसकी बातों पे भरोसा भी कहाँ होता है, मैं भुला दूँ उसे ऐसा भी कहाँ होता है। क्या कहने, उसकी बातों पे भरोसा भी कहाँ होता है, मैं भुला दूँ उसे ऐसा भी कहाँ होता है। अपनी अपने गुमनाम सी दुनिया में हूँ खोया ऐसे,
अपने गुमनाम की दुनिया में हो खोया ऐसे, अब मेरा शहर में चर्चा भी कहाँ होता है, अब मेरा शहर में चर्चा भी कहाँ होता है, उसकी बातों में भरोसा भी कहाँ होता है। और तरन्नुम से भी सुनाऊंगा, पहले कुछ निकल जाए उसके बाद। एक बहुत मशहूर गजल है मेरी, आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा और अभी दूरदर्शन पे भी आया था दो तीन हफ्ते पहले। मोहब्बत के फसाने वक्त के पर्दों में रहते हैं, मोहब्बत के फसाने वक्त के पर्दों में रहते हैं, हजारों ख्वाब इन भीगी हुई पलकों में रहते हैं, हजारों ख्वाब इन भीगी हुई पलकों में रहते हैं। और जिसे पाकर बहुत इतरा रहा है वो जमाने में, जिसे पाकर बहुत इतरा रहा है वो जमाने में, हजारों ताजवर ऐसे मेरे कदमों में रहते हैं, हजारों ताजवर ऐसे मेरे कदमों में रहते हैं। और ऐ दुनिया, ये शेर मुरादपुर के नाम कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के नाम कर रहा हूँ। ऐ दुनिया, तुझको इतना तो पता चल ही गया होगा, ऐ दुनिया तुझको इतना तो पता चल ही गया होगा, हुकूमत करने वाले आजकल गांव में रहते हैं, हुकूमत करने वाले आजकल गांव में रहते हैं। ऐ दुनिया तुझको इतना तो पता चल ही गया होगा, हुकूमत करने वाले आजकल गांव में रहते हैं। और वो बूढ़ा बाप कर लेता है दिल में सब्र ये कहकर, वो बूढ़ा बाप कर लेता है दिल में सब्र ये कहकर, बड़े घर के ही बेटे आजकल शहरों में रहते हैं, क्या बड़े घर के ही बेटे आजकल शहरों में रहते हैं। और नजर आता नहीं चिश्ती मैं दुनिया के ग्रामों में, नजर आता नहीं चिश्ती मैं दुनिया के ग्रामों में, हिदायतकार जो होते हैं वो पर्दों में रहते हैं, हिदायतकार जो होते हैं वो पर्दों में रहते हैं, मोहब्बत के फसाने वक्त के पर्दों में रहते हैं, हजारों ख्वाब इन भीगी हुई पलकों में रहते हैं। और एक गज़ल तरन्नुम से सुना रहा हूँ, अच्छा लग रहा है आप लोग सुन रहे हैं, बहुत जोरदार तालियों से फसल अफजाई की जाए, एकदम एनर्जी बनी रहनी चाहिए, फिर ये मौका आपको दोबारा बहुत बहुत कम मिलने वाला है, जान लीजिए किस्मत से सरा गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरह सुना। एक गजल है, खूब वाकिफ हूँ इस हकीकत से, वो पेश कर रहा हूँ तरन्नुम के साथ, आवाज़ फंसी हुई है। खूब वाकिफ हूँ इस हकीकत से, खूब वाकिफ हूँ इस हकीकत से, खूब वाकिफ हूँ इस हकीकत से, तुझको पाया है मैंने किस्मत से, तुझको पाया किस्मत से, खूब वाकिफ हूँ इस हकीकत से, जिंदगी बोझ बन के रह जाए, जिंदगी रह जाए, दिल हो खाली अगर मोहब्बत से, दिल हो खाली अगर मोहब्बत से, खूब वाकिफ हो इस हकीकत से, एक दुश्मन के साथ धरती पर
خوب واقف ہو اس حقیقت سے. دیکھیے جو پریشانی میرے ساتھ ہوئی, جو غزل میں نے سیو کی تھی وہ ڈیلیٹ ہو گئی, اس لیے تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے, تو پوری غزل پڑھتا. بہرحال آپ لوگ سن رہے ہیں, اچھا لگ رہا ہے. دو اشعار اور سنا رہا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں, وہ بھی ترنم سے سنا رہا ہوں. آپ پلکوں کی دہلیز پر اشک ساجل ملاتا رہا, آپ پلکوں کی دہلیز پر اشک ساجل ملاتا رہا, خواب پلکوں کی دہلیز پر اشک ساجل ملاتا رہا, اشک چھپ کے روتے رہے, میں بھی آنسو بہاتا رہا, تم بھی چھپ چھپ کے روتے رہے, میں بھی آنسو بہاتا رہا, خواب پلکوں کی دہے پر. یہ شعر سنے, ہو گیا اتنا مشغول میں, کھو گیا گاؤں کی دھول میں, ہو گیا اتنا مشغول میں, کھو گیا گاؤں کی اجنبی شہر میں, اور وہ اجنبی شہر میں اپنے خوشبو لٹاتا رہا, اور وہ اجنبی شہر میں اپنے خوشبو لٹاتا رہا. اور یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں. آج تک جس کو دیکھا نہیں, کون ہے یہ بھی جانا نہیں, آج تک جس کو دیکھا نہیں, کون ہے یہ بھی جانا نہیں, آج تک میں کیوں بے سبب, میری آنکھوں میں کیوں بے سبب عکس اس کا ہی آ